साथियों को मेरा नमस्ते। मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने घर को कैसे सजाएं जिससे खूबसूरत तो लगे ही, लेकिन साथ में आपको रखे पॉजिटिव, यानी उस घर में रहने वाले सब लोगों को हमेशा मिलती रहे पॉजिटिव वाइब्रेशंस। क्या हम ऐसा करें? सभी लोग घर को सजाना जानते हैं, सभी फीमेल्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने घर को खूबसूरत रख सके, सुंदर रख सके। सब लोग सजा के अपनी क्षमता के अनुसार रखते ही हैं, लेकिन उन चीजों से अगर आप सजाते हैं जो आपको देते हैं पॉजिटिविटी, घर में रहने वाले मेंबर्स को देते हैं पॉजिटिविटी, तो बात ही अलग होती है। तो आज मैं अपने रूम से ही आपको बताने जा रही हूं कि क्या क्या चीजें मैंने रखी हैं जो मुझे मिलती रहे या मेरे परिवार को मिलती रहे पॉजिटिविटी। आप भी इन सारी चीजों को रखकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने घर में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर कमरे की जरूरत अलग होती है, पूरे घर की जरूरत अलग होती है, जरूरत के हिसाब से चीजों को सजाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे रूम के कलर की, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं रूम का कलर। आई होप आपको थोड़ा सा दिख ही रहा होगा, ग्रीन कलर है। एक्चुअली में ये ग्रीन कलर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है ग्रीन प्लस येलो कलर का, ठीक है। ये वो रूम है जिसमें बैठकर मैं मैक्सिमम टाइम मैं वीडियोस बनाती हूं। तो ये वाले रूम की जो एनर्जी है मुझे कैसी चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर लोग अपने घर में कलर वॉल्स में क्या देते हैं? व्हाइट देते हैं, क्रीम देते हैं। डेफिनेटली अच्छे कलर्स हैं, व्हाइट क्रीम सूदिंग कलर्स हैं, मेंटल पीस देते हैं। पूरे घर में करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। लेकिन अगर आप घर की रूम की जरूरत के हिसाब से जब वॉल कलर्स करते हैं तो आपको कलर्स की भी एनर्जी मिल रही होती है। जैसे इस रूम में मैंने व्हाइट कलर नहीं करा के ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन कराया हुआ है, ठीक है। क्यों कराया हुआ है? क्योंकि मेंटल पीस तो ठीक है, लेकिन इस रूम में मुझे चाहिए एनर्जी, हाई लेवल की एनर्जी मुझे चाहिए, नेम फेम सक्सेस मुझे चाहिए, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में ये कलर दिया हुआ है। क्यों? ग्रीन कलर क्या है? ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का कलर है, आपको लोगों को प्यार देना सिखाता है, लोग आपको प्यार दे वो देता है, मीन्स आपके हार्ट चक्रा को एनर्जाइज करता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ग्रोथ का कलर है, ग्रीन कलर मनी का कलर है, ग्रीन कलर सक्सेस का कलर, ठीक है। ये सारी क्वालिटी ग्रीन कलर की है। साथ में इसमें मिला हुआ है येलो कलर भी, तो येलो कलर क्या देता है? जॉय देता है, आपको खुशियां देता है, अच्छी किस्मत, गुड लक देता है, गुड लक वाइब्रेशंस आपके लिए अट्रैक्ट करता है। तो मैंने क्या किया है, ग्रीन प्लस येलो का कॉम्बिनेशन दिया है, यानी कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ग्रीन और येलो की क्वालिटीज वो मुझे मिल सके, इसलिए इस रूम का कलर ग्रीन और येलो किया गया है। क्यों? क्योंकि मुझे हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए। मैं वीडियोस बनाती हूं, मैं आप सब लोगों से कम्युनिकेट करती हूं, मुझे आप लोगों का प्यार मिले, मुझे ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले। तो ये सारी चीजें मुझे कौन से कलर्स देंगे? ये वाले कलर्स दे सकते हैं। तो इसलिए ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन इस रूम में किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोज के थ्रू मैं आप लोगों से जुड़ती हूं, तो मीडिया का जो रोल है, ठीक है, मतलब मीडिया के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो यानी ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने पहचाने और मुझे नेम फेम मिले, इसलिए इस रूम का कलर ये है। आप भी जहां पर काम करते हैं तो उस रूम का कलर आप भी ये कर सकते हैं। जो मैंने क्वालिटीज सारी बताई, वो सारी क्वालिटीज आपको इस कॉम्बिनेशन से मिलेंगी। शेड ये जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो इज गुड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पूरे घर में ग्रीन और येलो का ही कॉम्बिनेशन करा रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस रूम में मैं पूजा करती हूं उस रूम में मुझे चाहिए मेंटल पीस, तो मैंने उस रूम का कलर अलग कराया हुआ है, मेंटल पीस देने वाला कलर कराया हुआ है। बेडरूम में दूसरा कलर किया हुआ है, आप लिविंग रूम में अगर जाते हैं तो लिविंग रूम में दूसरा कलर है। मीन्स सब जगह का कलर जो है अलग अलग है, उस रूम की डायरेक्शन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, ठीक है। हर रूम की जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है उसका कलर भी होता है, अगर आप उसके हिसाब से कुछ करते हैं तो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो इसलिए रूम का सिलेक्शन, कलर का सिलेक्शन इसलिए किया गया। अब क्या क्या चीजें आप ऐसी अपने घर में अपने आसपास रखें जो आपको हर समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती रहे
और आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे। देखिए, हर उस चीज को कलेक्ट कर लीजिए जो आपको दिल को सुकून देती है। जो चीजें आंखों को दिल को सुकून देती है, डेफिनेटली वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही होती है। और जिन चीजों को देखकर, आंखों से देखकर अगर एक बार आपको फियर आता है तो वो निगेटिव है, ये मान लीजिए आप। अब जैसे, सॉरी यहां रखा हुआ नहीं है, आई होप कि होता नहीं। अब जैसे अगर आप कैची को देखते हैं, अभी यहां रखी रहती है, अभी थी नहीं तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूं। कैची आपने हाथ में पकड़ी तो आपको क्या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं कि निगेटिव? एक हाथ में आपने कैची पकड़ी है, एक हाथ में आपने फैदर पकड़ा हुआ है, किसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी? सुकून किससे मिल रहा है? फैदर को देख के। इसको देख के फियर लग ना जाए, चोट ना लग जाए, बस यही डिफरेंस है। अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी के घर में जब मैं विजिट किया मैंने, तो मैंने एक चीज देखी कि उन्होंने घर में दरवाजे के पास में चौकीदार के फॉर्म में इतने बड़े बड़े डेकोरेटिव कुछ आइटम्स रखे हुए थे, जिनके हाथ में भाला था। ठीक है, चौकीदार ठीक है, लेकिन भाला बिल्कुल ठीक नहीं है। घर की चौकी, उनका सेंस हो सकता है ये रहा हो कि घर में चौकीदार के फॉर्म में ये दो आइटम्स रखे हुए हैं, लेकिन हाथ में भाला लिए हुए। आप ये भी देखिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे। ठीक है, तो भाला क्या है? निगेटिव ची को फेंक रहा है, पूरी तरह से गलत है, आपको नहीं रखना है। तो आप उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? एलिफेंट्स रख सकते हैं। एलिफेंट्स क्या है? आपकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। पावर का प्रतीक है मींस आप प्रोटेक्शन का प्रतीक है, आप प्रोटेक्टिव है। तो आप ऐसी चीजें यूज करिए जो चीजें आपको सूदिंग लगे और पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि आपको भाला लिए हुए कोई व्यक्ति खड़ा करना नहीं है, आप वहां पे एलिफेंट्स रख सकते हैं। एलिफेंट भी प्रोटेक्शन का प्रतीक है, हर तरह से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब और क्या क्या चीजें रखे? देखिए मैंने अपने सराउंडिंग्स में क्या क्या रखा है। मैंने अपने सराउंडिंग्स में रखे हैं फैदर्स, मैंने अपने सराउंडिंग में पीकॉक फैदर रखे हुए हैं, पीछे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। एक वीडियो में किसी ने लिखा था कि इतने सारे मोरों को मारा जाता है फैदर के लिए। देखिए शायद आपकी गलत फहमी है, मोर को मारा नहीं जाता। मोर जब बहुत खुश होते हैं ना तो ये फैदर्स आपको देते हैं। ठीक है, जब वो खुशी से झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, तो ये फैदर्स झड़ जाते हैं और ये वो फैदर्स होते हैं। ये जो मेरे फैदर्स का कलेक्शन है, ये मेरे छत पे ही, किसी मेरे यहाँ पे आसपास मोर बहुत ज्यादा है तो मेरे छत पे ही मोर ने दिए ये वाले फैदर्स, इसलिए मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर ये जितने भी फैदर्स हैं ये मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये पिकॉक फैदर रखिए, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं और भगवान विष्णु से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी हर सूरत में मिल रही होती है। साथ में मैं रखती हूँ कुछ क्रिस्टल्स, जैसे ब्लैक टर्मलिन हो गया और भी अदर क्रिस्टल्स हो गए। ब्लैक टर्मलिन इस रूम की सारी निगेटिविटी को अब्सॉर्ब करती रहती है, कोई भी तरह की निगेटिविटी को ब्लैक टर्मलिन अब्सॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा इस तरफ घूमेंगे, मैंने बड़ा सा एक रॉक सॉल्ट रखा हुआ है। रॉक सॉल्ट क्या करता है? पूरी तरह से पॉजिटिव जो निगेटिव वाइब्रेशंस है उनको अब्सॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फेंकता है, पॉजिटिव ची को फेंक रहा होता है। तो ये दो क्रिस्टल्स मैंने अपने आसपास सराउंडिंग्स में रखे हैं। तीसरा क्रिस्टल सामने रखा हुआ है जो है मनी क्रिस्टल। मनी क्रिस्टल यानी कि पायराइट, मैंने बड़ा सा पायराइट रखा हुआ है। तो ये क्यों रखे हैं? मुझे मिले पॉजिटिव एनर्जी, इस रूम में रहने वाले लोगों को मिले पॉजिटिव एनर्जी। और साथ में कुछ सिंबल्स, क्योंकि मैं हीलिंग करती हूं, मैंने हीलिंग का सिंबल रखा हुआ है। कुछ मनी के सिंबल्स रखे हैं, तो आप डेकोरेशन में रख सकते हैं कुछ सिंबल्स, कुछ फैदर्स। साथ में मैंने रखे हैं लोटस, दो तीन जगह पे मेरे यहाँ लोटस रखे हुए हैं। लोटस क्या देता है? लक्ष्मी का भी प्रतीक है लोटस, तो मैंने घर में कुछ जगह रखे हैं लोटस। आमने सामने रखे हैं कुछ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आपको तरोताजा रखते हैं, तो तरोताजा रहने के लिए आप ग्रीन प्लांट्स रखिए। लॉफिंग बुद्धा रखिए, लॉफिंग बुद्धा मैंने रखे हुए हैं। लॉफिंग बुद्धा आपके घर में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वो पॉजिटिव चीजें हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं, आपके घर में आए पॉजिटिव वाइब्रेशंस। इसके अलावा मैंने मनी बॉक्स रखे हैं, मैंने कुछ मनी रखा है, कुछ कॉइन्स रखे हैं। जो जो चीजें आपको पॉजिटिविटी दे रही हैं, उन सारी चीजों का कलेक्शन रखिए। सोच कर रखिए कि क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लग रही है, मेरी आंखों को अच्छी लग रही है, क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप चाकू छुरी को रख नहीं सकते, रखिए, मगर छुपा के रखिए। टेबल के ऊपर नहीं रखिए, अंदर कहीं ड्रॉर में छुपा कर रखिए। तो जो भी है, चाकू नुकीली चीजें छुपा कर रखिए, फर्नीचर
घर का ऐसा हो जिसमें नोक निकली हुई ना हो। नोक निकली हुई होती है, निगेटिव वाइब्रेशंस दे रही होती है, टेबल की ऐसी नुकीली नोक निकली, बेड की ऐसी नुकीली नोक निकली, ये सब गलत होता है, नहीं होना चाहिए ऐसा वाला फर्नीचर, ऐसी वाली चीजें जो नुकीली हो आपको नहीं रखनी है। इसके अलावा ऐसी कोई पेंटिंग मत लगाइए जिसमें कोई अकेली महिला खड़ी हो, अकेला बच्चा बैठा हो, अकेला आदमी खड़ा हो। एक व्यक्ति अकेला मींस अकेलेपन को दिखाता है, उजड़े हुए घर को दिखाता है, तो आपको वो कभी भी नहीं रखनी है। सैड तस्वीरें नहीं, रोती हुई तस्वीरें नहीं, लड़ती हुई तस्वीरें नहीं, ये सब चीजें आपको घर में नहीं रखनी है, निगेटिविटी आती है। लगा सकते हैं तो घर में शैंडलियर लगाइए, यानी कि झाड़ फानूस जिसको बोलते हैं, वो लगा के रखिए, उसको थोड़ा देर जलाइए, घर में पॉजिटिविटी फैलती ही रहेगी हर तरफ। घर में डेकोरेशन के लिए बहुत आइटम्स आपको मिल जाएंगे, पेंटिंग्स बहुत मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर सिलेक्शन करिए उन चीजों का जो आपको दे रही हो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं जो मैंने अपने घर में लगाई हैं, आप भी कुछ ऐसी चीजें लगा सकते हैं। मैं हो सकता है एक आध फोटोज भी डाल दूंगी, तो वैसे आपने सबने ही वीडियोज में देखा ही हुआ है मेरे घर का, इस रूम का तो कम से कम कोना कोना देखा ही है। तो चीजों का सिलेक्शन वैसे ही करिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। तो मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बहुत सोच समझ के अपने घर को सजाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, नमस्ते।